ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है बुकिंग टाइम, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। जब तक हम पेमेंट ऑप्शन पे पहुंचते हैं तो 7 मिनट 8 मिनट लग जाता है, जिसकी वजह से भी हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप कैसे आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप लोग इसी तरीके से कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले मास्टर लिस्ट बना लेना है, यानी कि पैसेंजर डिटेल आप लोगों को पहले से ही सेव करके रखना है। और तत्काल टिकट बुक करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो 1 से 2 नाम ही आप लोगों को एक साथ बुक करना है। आप करने के लिए 4 टिकट ही बुक कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से भी हम लोगों को तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते। तो सिंपल, सबसे पहले आपको मास्टर लिस्ट बनाना है। इसके बाद आप लोग एसी टिकट बुक करते हैं या फिर स्लीपर टिकट बुक करते हैं। एसी का बुकिंग आपको 10 बजे होता है मॉर्निंग में और स्लीपर का 11 बजे होता है मॉर्निंग में। तो आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ट्रेन पे क्लिक करना है। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को कोटा सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसका ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है, जब भी आप टिकट बुक करेंगे तत्काल, यदि आप एसी टिकट बुक करते हैं तो 10:03 से 4 सेकंड पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। यदि स्लीपर बुक करते हैं तो आप लोगों को 11:03 से 4 सेकंड पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे देखने को मिल जाएंगे, जिस ट्रेन में जितने भी कोटा होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग को जिस ट्रेन में टिकट बुक करना है सिंपल आपको क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अवध असम में ट्राई कर रहा तो रीग्रेड है, क्योंकि इसका बुकिंग जो होता है 2 दिन पहले होता है। हम अदर ट्रेन आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी टाइम भी नहीं हुआ है, 10 नहीं बजा है, इसलिए बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ। तो सिंपल मैं आज का ही डेट सेलेक्ट करके बता देता आप लोग क्या क्या ट्रिक्स को अप्लाई करना है, जिससे कि आप लोग इजीली तरीके से कंफर्म टिकट बुक कर सके। आप लोगों को सर्च ट्रेन पे 3 से 4 सेकंड बाद क्लिक करना है, तब आपका बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को जिस भी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है सिंपल आपको इस रिफ्रेश पे क्लिक करना है। इसके बाद जितने भी सीट के कोटा होगा आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप वैशाली, देख सकते हैं आप यहाँ बिहार संबलकांड है, जिसमें 72 सीट का कोटा है, जो कि इसका बुकिंग 10 बजे यानी स्लीपर है तो 11 बजे बाद बुकिंग खुलेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 24 तारीख के डेट में। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ मास्टर लिस्ट बना रखे तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंपल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नीचे एक तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोग बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउड करना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पेमेंट मेथड की बात की जाती है, यहाँ पर आप लोग UPI सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आपको सिंपल यहाँ पे कैप्चर फिल करना होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कैप्चर जब भी फिल करेंगे तो आप लोग गलत नहीं करना और काफ़ी तेज़ आपको कैप्चर फिल करना है। इसके बाद सिंपल पोस्टेज टू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली पेमेंट ऑप्शन पर चले आएंगे। तो पेमेंट ऑप्शन पर आने के लिए आप लोगों को करना क्या है, इसके बाद पेमेंट करना है तो आपको पेटीएम सेलेक्ट करना है। इसके बाद पेटीएम सेलेक्ट करना है, वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद पेटीएम सेलेक्ट करना है। इसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोग वेस्ट ऑप्शन बता दिया जाए तो फ़ोनपे यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट मेथड की बात किया जाए तो इन दिनों काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। आज से 10 दिन पहले तो आपको 7 से 8 मिनट से पहले टिकट जनरेट नहीं हो रहा था, स्लीपर या फिर AC तो आपको 5-6 मिनट और स्लीपर 8-9 मिनट लग जाता था। लेकिन इन दिनों 2 से 3 मिनट के अंदर में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी PNR जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो भी आपको टाइम लगता है यहाँ पर पेमेंट में टाइम लगता है, जो कि आप पेटीएम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे इजीली तरीके से आप लोग कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं अगर पेटीएम या फिर फोन पे यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।